रहमान रहीम, आज हमारा टॉपिक ज़िंदगी के लिए अहम एलिमेंट्स के बारे में है। इसमें हम फ्लोरीन को लेते हैं। वैसे तो फ्लोरीन के बेशुमार इस्तेमाल हैं, लेकिन हमारी बुक में चंद इस्तेमाल फ्लोरीन के बयान किए गए हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि फ्लोरीन को बेहोश करने के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो जितनी भी मेडिसन है जो कि बेहोशी के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो उन सब में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फ्लोरीन को इंसुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इंसुलेटर जो कंडक्टर और बैड कंडक्टर के दरमियान होता है, जिनमें दरमियानी सी करंट गुजरती है, उसके तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्लोरीन को स्टील साफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टील के ऊपर से मुख्तलिफ किस्म की मैल के चैल, उसकी चमक लाने के लिए भी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो टिन है उसको फ्लोराइड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। टिन को जब फ्लोराइड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो जो दांतों की तोड़ फोड़ का अमल है वो दांतों की तोड़ फोड़ का जो अमल है वो रुक जाता है। जिसका मतलब है कि इसको जो मुख्तलिफ किस्म की टूथ पेस्ट है उसके अंदर टिन फ्लोराइड का इस्तेमाल होता है ताकि दांतों को तोड़ फोड़ से बचाया जा सके। पौधों में अगर फ्लोरीन की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये जानवरों के लिए इसका बड़ा नुकसान होता है। तो इसके लिए ये ख़ास तौर पे ये देखना होता है कि पौधों में फ्लोरीन की मकदार ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा मकदार होने से उनके चारे के अंदर या मुख्तलिफ चीज़ें जो पौधे खाते हैं जो पौधों से हासिल होती हैं, तो उनमें फ्लोरीन की मकदार ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे हमारा एलिमेंट्स है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये बेसिकली एक जहरीली गैस है, लेकिन इसके अलावा इसके साथ इसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। जैसे कि क्लोरीन जो है ये जो वाटर पूल है उसमें क्लोरीन लिक्विड डाल दी जाती है ताकि जो जरासीम है वो मर जाए। इसके अलावा पीने वाले पानी के अंदर भी क्लोरीन के कतरे डाल दिए जाते हैं ताकि जो पानी है उसको जरासीम से पाक किया जा सके। इसके अलावा क्लोरीन जो है ये पीवीसी में भी इस्तेमाल होता है। इसको प्लास्टिक मरकब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं पीवीसी, और इस पीवीसी से फिर बेशुमार किस्म के जो पाइप्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो बनाई जाती हैं। बच्चों में अगर क्लोराइड की कमी हो जाए, बच्चों में अगर क्लोराइड की कमी हो जाती है तो क्लोराइड की कमी से बच्चों की ग्रोथ कम पड़ जाती है। तो ये ख़ास तौर पे ख्याल रखना होता है कि वो बच्चे जिनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही होती तो मे बी उनमें ये चांस होता है कि क्लोराइड की कमी की वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। शुक्रिया।